हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर हाईलाइट ऑफ आईपीएल 2020। तो आज हम बात करने जा रहे हैं चेन्नई सुपर किंग वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के मैच के बारे में। जैसा कि धोनी हमेशा करते टॉस के बॉस, और उन्होंने इस बार भी टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ने बहुत ही अच्छी साझेदारी की, 50+ से ज़्यादा की साझेदारी की। पृथ्वी शॉ ने 64 रन बनाए थे 43 गेंदों में, जिसमें 9 चौके और छक्का शामिल था। उनकी खास बात यह रही कि उन्होंने किसी भी शॉट को हवा में मारने की कोशिश करनी, सभी शॉट ग्राउंडेड शॉट थे, इसलिए उन्होंने 9 चौके मारे। शिखर धवन ने 35 रन बनाए 27 गेंदों में, 3 चौके एक छक्का शामिल था। ऋषभ पंत नॉट आउट रहे, 37 रन बनाए 25 गेंदों में, 5 चौकों के साथ। श्रेयस अय्यर 26 रन बनाए 22 गेंदों में, इन्होंने भी 50 की साझेदारी की। मार्कस स्टोइनिस ने 5 रन बनाए 3 गेंदों में, एक चौका शामिल था, वो लास्ट ओवर में बैटिंग करने आए थे। दीपक चहर को कोई विकेट नहीं मिला, सैम करन को 1 विकेट मिला। जॉस हेजलवुड जो इस बार अपना पहला मैच खेला, उन्होंने सीएसके के लिए 4 ओवर में 28 रन दिए। पीयूष चावला ने 4 ओवर में 33 रन दिए, हालांकि वो पहले 2 ओवर में बहुत महंगे साबित हुए, लेकिन उन्होंने अच्छा कमबैक किया। लास्ट के 2 ओवरों में उन्होंने अपने 2 विकेट भी चटका लिए। रविंद्र जडेजा ने 4 ओवर में 44 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया। ये कुछ हाल था दिल्ली कैपिटल्स का। उन्होंने 20 ओवर में 175 रन बनाए और जवाब में उतरी सीएसके की टीम। शुरू में तो थोड़ा बहुत संभाल के खेलते, लेकिन बाद में सब अस्त व्यस्त हो गया। मुरली विजय ने 10 रन बनाए 15 गेंदों में, एक चौका शामिल था। शेन वॉटसन ने 14 रन बनाए 16 गेंदों में, जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल था। वो भी हर बार पिछले मैच की तरह शॉर्ट लेग पर अपना कैच थमा बैठे। ऋतुराज गायकवाड़ ने 5 रन बनाए 10 गेंदों में, केदार जाधव ने 26 रन बनाए 21 गेंदों में और 3 चौके शामिल थे उसमें। फाफ डु प्लेसी से आप जैसी उम्मीदें करते हैं, उन्होंने इस बार भी वैसे ही खेला, लेकिन पीछे कैच थमा बैठे। उन्होंने 43 रन बनाए पिछले 2 मैच में, उन्होंने लगातार 50 भी मारी थी, लेकिन एम एस धोनी बहुत ही निराश रहे। 15 रन बनाए सिर्फ 12 गेंदों में। रविंद्र जडेजा ने 12 रन बनाए 9 गेंदों में, जिसमें एक चौका शामिल था। सैम करन आज थोड़ा ऊपर नहीं आए, उन्होंने सिर्फ 1 रन बनाए 2 गेंदों में। अगर ऋतुराज गायकवाड की जगह आप सैम करन या फिर एम एस धोनी खुद आते तो शायद मैच का हाल ही कुछ और होता। ककिशोर अबाडा ने 4 ओवर में बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए। अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट लिया। नॉर्ट जे ने 4 ओवर में 21 रन देकर 2 विकेट लिया। आवेश खान जो अपना पहला मैच खेल रहे बहुत ही महंगे साबित हुए, 4 ओवर में 42 रन दिए। अमित मिश्रा ने 4 ओवर में 23 रन दिए। ये कुछ हाल था सीएसके की बैटिंग का, लेकिन सीएसके ये मैच जीत सकती थी अगर धोनी खुद को या फिर सैम करन को थोड़ा आगे प्रमोट करते तो। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने यह मैच 44 रन से जीत लिया है। मैन ऑफ द मैच रहे पृथ्वी शॉ, जिन्होंने 64 रन बनाए 43 गेंदों में, बहुत ही अच्छी बैटिंग है। उन्होंने अपना पहला अर्धशतक भी जड़ा इस आईपीएल 2020 का। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।